हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 85 एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम टॉपिक, दैट इज हाउ टू यूज इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर टाइप सेंटेंसेस इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 85। इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर मीन्स निर्देश और आज्ञा। एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर फ्रेंड्स, दैट इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर बेसिकली मीन्स दैट वी गिव कमांड और ऑर्डर टू अनदर पर्सन टू डू आवर वर्क। एंड बेसिकली इफ वी ब्रिंग एनीथिंग एनी आइटम टू आवर होम, सो वी गेट यूजली वी गेट अ यूजर मैनुअल इन इट और इंस्ट्रक्शन मैनुअल इन इट। सो बिफोर ऑपरेटिंग और ओपनिंग और स्टार्टिंग द एपरेटस और आइटम, वी नॉर्मली फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इंस्ट्रक्शन मैनुअल इन इट। आफ्टर रीडिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल, देन वी स्टार्ट आवर आइटम और मशीन। सो फ्रेंड्स, आई विल रीड द सेंटेंसेस इन हिंदी एंड साइड बाय साइड आई विल ट्रांसलेट यू इन इंग्लिश, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सबके साथ नरमी से बोलो। सो इन इंग्लिश इट मीन्स बी पोलाइट टू ऑल और स्पीक पोलाइटली विथ एवरीबडी। फ्रेंड्स, बेसिकली इट इज ए नॉर्मल सेइंग ऑल्सो एंड इट इज ए जेस्चर ऑल्सो, मीन्स इट इज ए वेल सेइंग ऑल्सो कि सबके साथ नरमी से बोलो। सो इन इंग्लिश इट मीन्स बी पोलाइट टू ऑल और स्पीक पोलाइटली विद एवरीबडी। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इट इज़ ए इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर टाइप सेंटेंस एंड बेसिकली इट इज़ ऑल्सो ए सजेशन टाइप सेंटेंस, बिकॉज इट्स आवर ड्यूटी एज अ सिटीजन दैट वी शुड बी पोलाइट टू एवरीवन, आइदर सीनियर्स, जूनियर्स और आवर एल्डर्स और यंगर्स, वी शुड बी पोलाइट टू एवरीवन। सो सबके साथ नरमी से बोलो। सो इन इंग्लिश इट मीन्स बी पोलाइट टू ऑल और स्पीक पोलाइटली विद एवरीबडी। सो इट इज़ ए इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर टाइप सेंटेंस। ये बात मुझे समय पर याद दिला देना। सो इन इंग्लिश इट मीन्स रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम। द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज सेइंग कि भाई ये जो बात है ये मुझे समय पर याद दिला देना। एज इट यूजली हैपन्स फ्रेंड्स दैट समटाइम्स वी रिमेंबर एनीथिंग एंड वी नॉर्मली से टू आवर पेरेंट्स कि प्लीज डू रिमाइंड मी एट द प्रॉपर टाइम। ये बात मुझे समय पर याद दिला देना। सो इन इंग्लिश इट मीन्स रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम। सो फ्रेंड्स, it is a instruction or order type sentence because the person is requesting or ordering another person to make him remind that promise at the proper time. Mere saath pair milakar chalo. So in English it means keep pace with me. So the sentence basically means that the person is saying, bhai mere saath agar aap chal rahe ho to mere saath pair milakar chalo. So in English it means keep pace with me. As it usually happens friends, when we normally go for a walk and any friend or any relative is coming with us, so we normally say please meet your pace with me, means mere saath pair milakar chalo. So in English it means keep pace with me. So it is an instruction or order giving type sentence. Bacche ko sula do. So in English it means put the child to sleep bed. The sentence basically means it is an instruction or order type sentence because the person is saying bhai bacche ko sula do, means put the child to sleep bed. As a small kid or a baby, born baby, so they are basically requesting that please make him sleep at the bed. So bacche ko sula do. So in English it means put the child to sleep bed. So friends, basically it is an instructional order type sentence. Mujhe kal iski yaad dilana. So in English it means remind me about it tomorrow. The sentence basically means that the person is saying ki mujhe kal iski yaad dilana, means जैसे ही कल का दिन आए तो मुझे इसको रिमाइंड करा देना, याद दिला देना। सो इन इंग्लिश इट मीन्स रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो। सो फ्रेंड्स, इट इज़ बेसिकली इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर टाइप सेंटेंस बिकॉज द पर्सन इज रिक्वेस्टिंग अनदर पर्सन टू मेक हिम रिमाइंड दैट एनी टॉपिक अबाउट इट फॉर टुमारो। सो इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर टाइप सेंटेंस। सब बंदोबस्त कर रखना। सो इन इंग्लिश इट मीन्स कीप एवरीथिंग रेडी। द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज सेइंग भाई सब बंदोबस्त तैयार करके रखना, मीन्स इन इंग्लिश कीप एवरीथिंग रेडी। एज यूजली हैपन्स फ्रेंड व्हेन वी नॉर्मली ट्राई टू गो आउटसाइड और गो फॉर एन आउटिंग, वी नॉर्मली ट्राई टू मेक एवरीथिंग रेडी सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू मूव ऑन। सो सब बंदोबस्त कर रखना। सो इन इंग्लिश इट मीन्स कीप एवरीथिंग रेडी। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इट इज एन ऑर्डर और कमांड टाइप सेंटेंस। संभल कर चलना। So in English it means walk cautiously. The sentence basically means that the person is ordering
और गिविंग सजेशन टू अनदर पर्सन, भाई संभाल कर चलना, मीन्स रास्ते को संभाल कर देख के चलना. सो इन इंग्लिश इट मीन्स वॉक कॉशियसली. सो फ्रेंड्स बेसिकली इट इज एन ऑर्डर और कमांड टाइप सेंटेंस बिकॉज द पर्सन इज ऑर्डरिंग अनदर पर्सन टू वॉक कॉशियसली और सड़क पर ध्यान से देख कर चलना. बाद में आ जाना, सो इन इंग्लिश इट मीन्स कम आफ्टरवर्ड्स. द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज सेइंग टू अनदर पर्सन, भाई बाद में आना, अभी मैं बिजी हूँ, मीन्स कम आफ्टरवर्ड्स. सो बाद में आ जाना, सो इन इंग्लिश इट मीन्स कम आफ्टरवर्ड्स. सो फ्रेंड्स बेसिकली इट इज ऑल्सो एन ऑर्डर एंड कमांड टाइप सेंटेंस बिकॉज द पर्सन इज आइदर बिजी, सो ही इज ऑर्डरिंग अनदर पर्सन दैट प्लीज डू विजिट मी और कम आफ्टर सम टाइम. सो इट इज एन ऑर्डर और कमांड टाइप सेंटेंस. मुझे 5 बजे जगा देना, सो इन इंग्लिश इट मीन्स वेक मी अप एट 5 o'clock. द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज ऑर्डरिंग अनदर पर्सन कि भाई मुझे 5 बजे जगा देना, मीन्स अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ या रेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 5 बजे याद करके जगा देना. सो इन इंग्लिश इट मीन्स वेक मी अप एट 5 o'clock. सो फ्रेंड बेसिकली इट इज अ प्रेजेंट टाइप सेंटेंस एंड बेसिकली इट इज एन ऑर्डर एंड कमांड टाइप सेंटेंस बिकॉज द पर्सन इज ऑर्डरिंग टू अनदर पर्सन कि प्लीज डू वेक हिम अप एट 5 o'clock. चलना हो तो तैयार हो जाओ, सो इन इंग्लिश इट मीन्स गेट रेडी इफ यू वॉन्ट टू कम अलोंग. द पर्सन इज बेसिकली ऑर्डरिंग अनदर पर्सन कि भाई अगर तुम्हें मेरे साथ चलना हो तो तैयार हो जाओ. सो इन इंग्लिश इट मीन्स गेट रेडी इफ यू वॉन्ट टू कम अलोंग. सो फ्रेंड्स बेसिकली इट इज ऑल्सो एन ऑर्डर एंड कमांड टाइप सेंटेंस बिकॉज द पर्सन इज ऑर्डरिंग अनदर पर्सन इफ यू वॉन्ट्स टू कम विद हिम, सो प्लीज गेट रेडी. ऐसी बात नहीं कहते, सो इन इंग्लिश इट मीन्स डोंट स्पीक लाइक दिस. द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज सजेस्टिंग और ऑर्डरिंग अनदर पर्सन कि भाई ऐसी बात नहीं कहते. सो इन इंग्लिश इट मीन्स डोंट स्पीक लाइक दिस. एज इट नॉर्मली हैपन्स फ्रेंड्स इन आवर फैमिली, समटाइम्स वी बाय एक्सीडेंटली वी स्पीक रैश वर्डिंग्स और सेंटेंसेज टुवर्ड्स अदर्स, बट समवन सजेस्टेड भाई सजेस्ट अस दैट कि ऐसी बात नहीं कहते हैं. सो वी रियलाइज आवर मिस्टेक एंड वी से वी आर रॉन्ग. सो इन इंग्लिश इट मीन्स डोंट स्पीक लाइक दिस. सो फ्रेंड्स बेसिकली इट इज एन ऑर्डर एंड कमांड टाइप सेंटेंस बिकॉज द पर्सन इज ऑर्डरिंग अनदर पर्सन दैट डोंट स्पीक लाइक दिस. अपना काम ध्यान से करो, सो इन इंग्लिश इट मीन्स वर्क केयरफुली. द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज ऑर्डरिंग अनदर पर्सन भाई अपना काम ध्यान से करो, मीन्स अपने काम पर ध्यान दो. सो इन इंग्लिश इट मीन्स वर्क केयरफुली. द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज ऑर्डरिंग अनदर पर्सन भाई अपने काम पर ध्यान दो या अपने काम पर ध्यान से करो. सो इन इंग्लिश इट मीन्स वर्क केयरफुली. सो फ्रेंड्स बेसिकली इट इज एन ऑर्डर ऑल्सो एन ऑर्डर एंड कमांड टाइप सेंटेंस बिकॉज द पर्सन इज ऑर्डरिंग और गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अनदर पर्सन कि वर्क केयरफुली. अपना काम करो, सो इन इंग्लिश इट मीन्स डू योर ओन वर्क. द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज ऑर्डरिंग अनदर पर्सन कि अपना काम करो. सो इन इंग्लिश इट मीन्स डू योर ओन वर्क. सो इट इज ऑल्सो इन फ्रेंड्स ऑर्डर एंड कमांड टाइप सेंटेंस बिकॉज द पर्सन इज ऑर्डरिंग अनदर पर्सन कि अपना काम करो. सो इन इंग्लिश इट मीन्स डू योर ओन वर्क. सो इट इज ऑल्सो एन ऑर्डर एंड कमांड टाइप सेंटेंस. इसे लिख लो, सो इन इंग्लिश इट मीन्स नोट दिस डाउन. फ्रेंड्स एज यूजली हैपन्स दैट वेन वी आर इन कोचिंग सेंटर और इन क्लास देन आवर टीचर नॉर्मली से प्लीज नोट दिस डाउन. सो इसे लिख लो, सो इन इंग्लिश इट मीन्स नोट दिस डाउन. सो इट इज ऑल्सो एन ऑर्डर एंड कमांड टाइप सेंटेंस. जल्दी वापस आना, सो इन इंग्लिश इट मीन्स कम बैक सून. द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज गोइंग आउट समवेयर, सो हिज फैमिली मेंबर्स आर रिक्वेस्टिंग हिम कि भाई जल्दी वापस आना. सो इन इंग्लिश इट मीन्स कम बैक सून. एज इट नॉर्मली हैपन्स इन आवर फैमिली फ्रेंड्स वेन वी नॉर्मली गो आउट फ्रॉम आवर होम आवर पेरेंट्स गेट वरीड एंड दे से प्लीज कम बैक सून. सो जल्दी वापस आना, सो इन इंग्लिश इट मीन्स कम बैक सून. सो इट इज ऑल्सो एन ऑर्डर और कमांड टाइप इंस्ट्रक्शन टाइप सेंटेंस. जरा सब्र करो, सो इन इंग्लिश इट मीन्स हैव पेशेंस. द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट फ्रेंड्स मीन्स दैट वी शुड हैव पेशेंस इन एवरीथिंग, मीन्स जरा सब्र करो, मीन्स हैव पेशेंस. मतलब कहते हैं ना फ्रेंड्स कि सब्र का फल मीठा होता है. सो जरा सब्र करो, इन इंग्लिश इट मीन्स हैव पेशेंस, मीन्स वी शुड नॉट गेट वरीड और वी शुड नॉट गेट पैनिक इन एवरी सिचुएशन. वी शुड हैव पेशेंस बिकॉज बाई हैविंग पेशेंस ओनली वी कैन थिंक अब्रॉड एंड वी कैन डू एनी वर्क ईजिली.
So it is also an order and instruction type sentence. बड़ों का आदर करो. So in English it means respect your elders. It is also a saying also, friends, that in our family there are some moral values which are being taught by us, by our family, that we should respect our elders. So बड़ों का आदर करो. So in English it means respect your elders. So friends, it is also an order and instruction type sentence, because in this sentence they are basically mentioning that we should respect our seniors and elders. तुम वहीं रहना. So in English it means you stay there. The sentence basically means that it is an order and instruction type sentence, because the person is saying भाई तुम वहीं पर रहना, कहीं जाना मत. So in English it means you stay there. So friends, basically it is also an order and instruction type sentence. अच्छे समय की आशा करो. So in English it means hope for good times. The sentence basically, friends, is a positive vibe or a positive saying, means there is a circle or cycle of good and bad times. If bad times come, there is a patch of good times also comes. If good times come, there is a patch of bad times also. So friends, अच्छे समय की आशा करो. So in English it means hope for good times. So friends, it is also a instruction and order type sentence. It is a positive and optimistic type sentence, that we should be positive in our life. So friends, it is an order and instruction type sentence. बच्चे का ध्यान रखना. So in English it means take care of the baby. The sentence basically is an order and instruction type sentence, friends, because the person is basically saying that बच्चे का ध्यान रखना. So in English, take care of the baby. So friend, it is also an instruction and order type sentence. अपना काम देखिए. So in English it means please mind your own business. The sentence basically means that the person is giving order or instruction to another person that he should mind his own work. Means उसे केवल अपना काम ही देखना चाहिए, किसी दूसरे के मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए. So अपना काम देखिए. So in English it means please mind your own business. So friends, basically it is also an order and instruction type sentence, because the person is ordering another person that please mind your own work. So friends, this was the English speaking part 85, in which I tried to explain you about instruction and order, means nirdesh or agya type sentences in our English language. So friends, I wrote down the sentences in Hindi and side by side I translated you in English, so that it becomes easier for you to understand about these sentences. So I hope, friends, you would have find it easier to understand about instruction and order type sentences, because these kind of sentences we normally use in our daily life when we give order, command, instruction or order to another person to do work or to have good manners or to speak good about others, to take care about others or to do work, anything, etc. So friends, kindly practice these sentences in your spare time. Either try to talk with your friends, relatives, neighbors, etc., or try to practice in front of mirror also. So friends, with the passage of time, you will realize that English language is quite simple, easy and efficient to learn, read, write and speak. And with time passage, your English language will become fluent, your confidence will boost up, and ultimately your personality will groom. So friends, kindly like, share, subscribe my channel. Please do press the bell icon in the subscription box. I will also share my Instagram and Facebook link in the description box below. So friends, please keep supporting me so that I may bring you more interesting English speaking topics which could prove to be an asset for you and which could help you in brushing up your fluent English communication in front of bigger perspective and society. So friends, thanks for your valuable and precious time. Have a nice day.